छियानवे सालों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शुरुआती दौर में मर्सिडीज और बेंज एक नाम नहीं थे, इनकी भी अपनी एक कहानी है। कंपनी की अब तक की जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। एक लंबे सफर के बाद भारत में पहली बार इस कंपनी की कमान एक भारतीय के हाथ में होगी। भारत के संतोष अय्यर अब मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD और CEO होंगे। संतोष अय्यर अब उन दिग्गजों में शामिल हो गए हैं जो दुनिया के लग्जरी कार ब्रांड को आगे ले जाने की कमान संभाल रहे हैं। इनमें BMW इंडिया के विक्रम पवाह, ऑडी इंडिया के बलबीर सिंह ढिल्लो शामिल है। 1901 में जर्मनी के दो इंजीनियर गोटबिल डैमलर और कार्ल बेंज ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम दिया डैमलर बेंज। कंपनी के नाम में मर्सिडीज शब्द जुड़ने की वजह एमिल जेलेनिक नाम के एक बिजनेसमैन रहे, इनका भी एक किस्सा है। दरअसल कारों के शौकीन एमिल ने एक रेसिंग इवेंट के दौरान डैमलर बेंज की 36 कारों को खरीद लिया। इस खरीद के पीछे उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर कंपनी अपने नाम के आगे मेरी बेटी मर्सिडीज जेलेनिक का नाम जोड़ती है तो वो डील पक्की हो जाएगी। इसे मानते हुए कंपनी के नाम में 1902 में मर्सिडीज जोड़ा गया। इस तरह नाम पड़ा मर्सिडीज बेंज। हालांकि इस नाम से पहली बार कारें 1926 में उतारी गई, वो 19वीं सदी का दौर था। गोटलिब डैमलर और कार्ल बेंज की मुलाकात नहीं हुई थी। घोड़ा गाड़ी के दौर में दोनों अपनी तरह से कुछ नया करने में जुटे थे। जैसे डेमलर गैसोलीन से चलने वाले इंजन को तैयार करने में जुटे थे, वहीं बेंज ऐसा ऑटोमोबाइल इंजन को विकसित कर रहे थे जो चार पहियों वाली गाड़ी को संभाल सके। बेंज अपने प्रयोग में सफल हुए, 1883 में अपनी कंपनी खोली और 1886 में मोटर वैगन के नाम से इंजन का पेटेंट करवाया। डैमलर को भी सफलता मिली और उन्होंने दोस्त विल्हेम मेबैक के साथ मिलकर 1890 में DMG नाम से एक कंपनी खोली। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसे ट्रॉली से लेकर मोटरसाइकिल तक से जोड़कर चलाया जा सकता था। बाद में दोनों कंपनियां मिली और दुनिया की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी अस्तित्व में आई। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियों का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। एक लंबे समय के संघर्ष के बाद यह कंपनी भी पटरी पर आई। 1926 में मर्सिडीज बेंज W15 पेश की गई। यह वो दौर था जब कंपनी ने पहली बार सफलता का इतिहास लिखा और 7000 कारें बेची। कंपनी धीरे धीरे नए कीर्तिमान रचने लगी और आगे बढ़ने लगी। बुलंदियों तक ले जाने के लिए कंपनी ने हाई स्पीड रेसिंग कार बनाने की सोची। कुछ अलग और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने गाड़ी की बनावट और खूबियों में बदलाव किया और 36 हॉर्स पावर वाली दुनिया की पहली कार ट्रैक पर उतार दी। इसकी काफ़ी चर्चा हुई और देखते ही देखते मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई। कंपनी ने लगातार कुछ नया करने की सोच को नहीं बदला। मर्सिडीज बेंज ने एक ऐसी कार भी पेश की जिसके चारों पहियों पर ब्रेक लगाया जा सकता था। उस दौर में पहली बार किसी कंपनी ने इस तरह की गाड़ी पेश की थी। अपनी कार में यह फीचर पेश करके दूसरे कार निर्माता कंपनियों को चौंका दिया था। धीरे धीरे कंपनी ने विस्तार शुरू किया और दुनिया की ज़्यादातर देशों में अपनी पहुंच बनाई। 1994 में कंपनी ने महाराष्ट्र के पुणे में अपना पहला प्लांट लगाया। यहीं पर कारों के नए मॉडल को असेंबल करना शुरू किया। यूं तो कंपनी ने अपने मर्सिडीज बेंज W124 मॉडल को 1995 में भारत में लॉन्च किया, लेकिन JRD टाटा 1961 में मर्सिडीज बेंज 190D कार को भारत लेकर आए थे। आप दुनिया के सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे। आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स को केवल मर्सिडीज बेंज में ही सफर करते हुए देखा गया है। उनके पसंद का मॉडल है मर्सिडीज बेंज SL55 AMG। साथ ही उन्हें हर 6 महीने में कैलिफोर्निया में एक नई गाड़ी के साथ देखा जाता था। सबसे अलग बात तो यह है कि इनकी गाड़ी पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती थी। आपको एक और रोचक तथ्य बता दे कि इस गाड़ी की मॉडल के नाम से जुड़े नंबर्स गाड़ी के डिस्प्ले बेसमेंट को भी बताते हैं। सुरक्षा के मामले में मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे अच्छी कार कंपनियों में से एक है। मर्सिडीज बेंज की गाड़ियों के कारण ही कई सुरक्षा के बेहतरीन फीचर्स गाड़ियों में आए हैं। उन्हीं में से एक है प्रीसेफ सिस्टम, जो कि कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये टकराव से पहले ही कुछ एक्शन ले लेता है गाड़ी के पार्ट्स को बचाने के लिए। इसमें ये सीट बेल्ट को टाइट कर देता था
जिससे पैसेंजर सुरक्षित रहे। साथ ही इन गाड़ियों में कुछ और भी अलग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्री ब्रेक के साथ डिस्ट्रॉयर प्लस सिस्टम, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और एक्टिव लेन असिस्ट, और साथ ही इसमें आपको नाइट व्यू असिस्ट प्लस जैसे कमाल के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।